गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे एशियाई खेलों के बारे में। एशियाई खेलों के बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, एशियाई खेलों का प्रारंभ सबसे पहले श्री जी डी सोंधी ने किया था। ये भारतीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन के क्या थे? प्रधान थे। ठीक है, उन्होंने सन 1948 में लंदन में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 8 अगस्त 1948 में लंदन के माउंट रॉयल होटल में भारत, चीन, कोरिया, श्रीलंका तथा फिलीपींस आदि देशों की प्रतिनिधियों की बैठक में एशिया के देशों में खेल करवाने पर विचार किया गया। 13 फरवरी 1949 को भारत की राजधानी दिल्ली में भारत, बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपीन आदि देशों के प्रतिनिधि पुनः एकत्रित होकर इस बैठक में एशियाई खेल करवाने का प्रस्ताव पास किया। अब इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? इनका मुख्य लक्ष्य था कि जो एशियाई महाद्वीप पर उनमें खिलाड़ियों के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, खिलाड़ियों को एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए। 4 मार्च से 11 मार्च 1951 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए, जिनमें केवल 6 इवेंट थे और 11 देशों ने भाग लिया। ये आप याद करिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला एशियाई प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ खेला गया, तो 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच दिल्ली में खेला गया। कितने इवेंट हुए थे? 6 इवेंट हुए थे। और कितने देशों ने भाग लिया? 11 देशों ने उसमें भाग लिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन खेलों का उद्घाटन किया था। इन खेलों का आदर्श था हमेशा आगे की ओर। एशियाई खेलों के कौन कौन से सदस्य हैं? भारत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, हांगकांग, लाओस, खेमेर गणतंत्र, कोरिया गणतंत्र, लोकतंत्र, ईरान, इराक, सिंगापुर, मलेशिया, इजराइल, वियतनाम, बहरीन, चीन, मंगोलिया, कुवैत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और सऊदी अरब। ये क्या है? एशियाई खेलों के सदस्य हैं। एशियाई खेलों में विजेता को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। प्रथम स्थान वाले को स्वर्ण, द्वितीय स्थान वाले को चांदी का और तृतीय स्थान वाले को कांस्य के। एशियाई खेलों का ध्वज के, तो एशियाई खेलों का ध्वज जो है सफ़ेद है और इसके मध्य में संतरी रंग का सूर्य का चिन्ह है। जितने देश इस खेल में भाग लेते हैं उतने ही नीले चक्र आपस में जुड़े रहते हैं। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केट, कुश्ती, मुक्केबाजी, जिमनास्टिक, तैराकी, साइकिलिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, निशानेबाजी, कबड्डी, नौका दौड़, भारोत्तोलन आदि। उद्देश्य क्या है? विभिन्न देशों के लोगों को एक दूसरे के समीप लाना, सहयोग और मैत्री की भावना, खिलाड़ियों में योग्यता के स्तर को बढ़ाना, नागरिकों में अच्छे गुणों को विकसित करना, भाईचारे की भावना को बढ़ाना, खिलाड़ियों के चरित्र और व्यक्तित्व को विकसित करना। मुख्य सदस्य देश कौन से? इसमें वही आएंगे जो आपके ऊपर है, जो एशियाई खेलों के सदस्य हैं, वही आपके मुख्य सदस्य देश हैं। इसमें आज के लिए इतना ही।